हेलो गाइस, दिस इज पुष्पेंदु। टुडे आई हैव टू सॉल्व द रूबिक क्यूब इजी प्रोसेस। ओके, तो देखिए ये रूबिक क्यूब ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो इसको स्क्रैम्बल कर लेता है जल्दी। तो आज हम लोग फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड लेयर एंड सेकेंड लेयर सॉल्व करेंगे। ओके, ये ऑलरेडी स्क्रैम्बल हो चुका है, देख लीजिए पूरी तरफ से। तो ये इजी तरीका है सॉल्व करने का। पहले मैं कुछ चीज़ों में बता देता हूँ क्या है, किसको क्या बोलते हैं। ये सेंटर पीस है। ओके, सेंटर पीस कितना रहता है, 1 2 3 4, टोटल 6 सेंटर पीस है, इसको भी सेंटर पीस बोलते हैं। और ये कॉर्नर पीस है, राइट, 1 2 3 4 कॉर्नर पीसेस है, यहाँ पे भी कॉर्नर पीसेस है, और इसको बोलते हैं एच पीस है। ओके, एच पीस क्या होता है, वापस में एच पीस जगह में प्लेस होता है सेकंड लेयर पे, यहाँ पे इंटरचेंजिंग हो जाता है, डाउन लेयर पे लग जाता है, बट कॉर्नर पीस कभी भी एच पीस के ऊपर नहीं लगता है, ये फंडा क्लियर है। और दूसरी बात क्या है, ये जो रेड कलर है ना, इसका अपोजिट में ऑरेंज रहेगा मस्ट भी। और देख लेता हूँ, ये ग्रीन है, ग्रीन का अपोजिट में ब्लू रहेगा, एंड जो व्हाइट है, व्हाइट का ऑपोजिट में येलो रहेगा। तो कोई भी कलर पकड़ लो, मैं व्हाइट कलर को आज सॉल्व करेंगे, व्हाइट को बेस करके। तो व्हाइट कलर को एक ही लेयर को सॉल्व करने के पहले फर्स्ट क्या करना है, इसके ऊपर क्रॉस बनाना पड़ेगा, राइट, क्रॉस। सेंटर पीस जो है बाद में सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस बनाने का इजी प्रोसेस क्या है, इसका ऑपोजिट कलर क्या है, येलो, इसको टर्न किया, देखा, टर्न कर लिया। टर्न होने के बाद क्या करेंगे, ये जो एच पीस है, चारों एच पीस, 1 2 3 4, ओके, तो चारों एच पीस में दूसरा कलर है, उसमें पहले व्हाइट कलर करेंगे, राइट। सो व्हाइट कलर ढूंढेंगे कहाँ पे है एच पीस, ये देखिए यहाँ पे एच पीस है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग उठाया, लेकिन ये प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, तो इसको टर्न करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा रोटेट किया, ऐसा रोटेट किया, उसके बाद घुमाया, फिर प्लेस्ड किया, लेकिन ये ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका है, लेकिन ये जो व्हाइट पीस है इसका कुछ वैल्यू नहीं है अभी। ओके, तो अभी देखेंगे नेक्स्ट, तीनों बचा है, 1 2 3 4 बचा है, देखेंगे। ये देखो, ये देखिए व्हाइट पीस है यहाँ पर, तो इसको रोटेट किया, रोटेट होने के बाद प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, उसको दूसरा जगह में घुमाया, सेम प्रोसेस, ये तो ऑलरेडी आ चुका है दूसरा जगह पे, इसको क्या करता हूँ, तीसरे जगह में प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, ये प्लेस्ड हो चुका है, और एक ही बचा है, तो अभी देखेंगे कहाँ पर है, ये डाउन पे है, इसको सीधा हम लोग, यहाँ पर तो नहीं होगा, ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, इसको मूव किया मैंने, देखिए ये ऑलरेडी है, इसको मूव किया, मूव होने के बाद मैंने प्लेस्ड कर चुका है, राइट, देखिए ये ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका है। तो ऐसा पहले बनाने का नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको ये जो अपोजिट साइड में कलर है ना, तो एक ग्रीन कलर के बाद रेड कलर, मैं रेड कलर पकड़ लेता हूँ, बस ग्रीन कलर पकड़ लेता हूँ, ग्रीन कलर के साथ सेंटर पीस के साथ मैच होना चाहिए, राइट। तो पहले मैंने मैच किया, देखिए मैच हो गया, उसको 180 डिग्री, ये देखिए ये पकड़ा मैंने, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, रोटेट होने का मैं यहाँ पे आएगा, ओके, और तीन बचा है, सेम अप्लाई करेंगे, ऑलरेडी मैच हो चुका है, तो इसको कोई करने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग घुमा देता हूँ डायरेक्ट 180 डिग्री, घुमा दिया, ये भी ऑलरेडी मैच हो चुका है, तो इसको घुमा देता हूँ, और ये भी मैच हो चुका है, मैच नहीं हुआ तो इसको अरेंज करने का पहले 180 डिग्री घुमा देने का। ये देखिए क्या हो गया, ऑलरेडी प्लस बन चुका है। इसी तरीके से हम लोग इजी प्रोसेस में प्लस बनाता है और क्रॉस बनाता है। तो ये देखिए उसके साथ ही ना सेंटर पीस के साथ मैच हो चुका है, ऑलरेडी मैच हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कॉर्नर पीस है चारों, उसको अरेंज करेंगे। उसको अरेंज करने का प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनो, पहले तो थर्ड लेयर में उसी कलर होना चाहिए व्हाइट कलर, और उसके साथ दूसरा कलर होना चाहिए, ये देखो एक मिल गया यहाँ पर, क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसका ऑपोजिट में कौन सा कलर है, ऑरेंज है, तो वो ऑरेंज को सेंटर पीस के साथ मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा कलर है, रेड कलर, ये तो नहीं होगा, उसके घुमाएंगे कोई भी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भी घुमा सकते हैं, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ, राइट, इसको घुमाया, देखिए ये ऑलरेडी मैच हो चुका है, दिखाई दे रहा है, ऑरेंज के साथ मैच हो चुका है, अभी ये व्हाइट है। तो ये जो कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस यहाँ पे प्लेस्ड होगा, कैसे प्लेस्ड होगा, इसको राइट साइड में है, ये मेरा राइट साइड में है, तो इसको अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा, सपोज लेफ्ट साइड में है तो इसको अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा, कैसे है, अपोजिट साइड में लेके गया, इसको डाउन किया, फिर इसको प्लेस्ड किया, ऑफ कर दिया, प्लेस्ड हो चुका है, क्लियर। सेम ढूंढेंगे कहाँ पे है व्हाइट, यहाँ पे है व्हाइट, ये ऑलरेडी मैच हो चुका है, देखिए कॉर्नर पीस मैच हो चुका है, इस ए लेफ्ट साइड में है मेरा, इसको अपोजिट साइड में घुमाया, ओके, इसको डाउन किया, उसके बाद इसको प्लेस्ड किया, देखिए इसको आप कर दिया, क्लियर, अब हो चुका है। अभी देखेंगे नेक्स्ट, तो ये व्हाइट पीस है, इसके ऑपोजिट में ग्रीन है, ये दूसरा कलर है, तो इसको मैच करेंगे, पहले सेम प्रोसेस मैच किया, उसको वापस में दूसरा प्लेस में लेके गया, डाउन किया, सेम प्रोसेस अप्लाई करना हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये हो चुका है, वापस में एक बाकी है, तो ये ऑलरेडी मैच हो चुका है, इसको ये लेफ्ट साइड में है, उसको राइट साइड में लेके गया, इसको डाउन किया, फिर रोटेट किया, ये हो गया फर्स्ट लेयर सॉल्व, कितना इजी है ना। तो आप लोग दो बार तीन बार थ्री टू फोर टाइम्स प्रैक्टिस करिए तो इजी हो जाएगा। ओके, तो गाइस हम लोग नेक्स्ट टाइम थर्ड लेयर एंड सेकेंड लेयर सॉल्व करेंगे,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।